आदमी था तो उसको भूख बड़ी लगती थी, खूब खाता था वो। घर वाले परेशान हो गए उसको खिलाते खिलाते, बोले रोज खाता रहता, इतना खाता रहता। सब उसको बोलते चला जाए यहां से, भाग जाए यहां से। तो एक दिन उसके मन में आ गया कि अब नहीं रहूंगा यहाँ, बहुत हो गया। सो ले झोला अपना, साथ में एक साधु बाबा जी का आश्रम था, महात्मा जी का, वहां चला गया। उसको लगा महात्माओं के आश्रम में बढ़िया माल मिलता, वहां खाएंगे, तो वहां आ गया। वहां जाके महाराज जी से मिला, वो महाराज जी तुम्हारे आश्रम में जगह मिल जाएगी हमको थोड़ी सी? महाराज जी बोले हाँ, पर थोड़ा काम करना पड़ेगा आश्रम में। देखो अब किसी भी साधु के आश्रम में जाते हो, हम भी जाते हैं, आप सब भी जाते हो वृंदावन मथुर, तो ऐसे नहीं वहां जाके फोन कर दिया महाराज जी कमरा खुलवा देना, बन के VIP। अब बेचारे महाराज जी चादर चेंज कर रहे हैं, वहां जाके सेवा करनी चाहिए किसी आश्रम में जाते हो तो। वहां जाके एहसान अपना चढ़वा के नहीं आना कि वो हमारी सेवा करे। कई लोग ऐसे होते हैं, 10 रुपया भी दान दे दिया होगा ना तो बड़े एहसान से बोलो महाराज जी करो कमरे की तैयारी। सेवा भाव से, संतों से सेवा लो मत, संतों को सेवा दो। तो महाराज जी बोले भैया कुछ बर्तन झाड़ू पोछा मतलब कुछ भी करवा लो, बस एक हमारी शर्त है, हम भूखे नहीं रह सकते, हमको खाना एकदम समय पे और अच्छा सब मिलना चाहिए, कि आश्रम में भोजन की कभी कमी नहीं होती, तू कर। तो बोला ठीक है। अब रोज बेचारा सुबह शाम करता, भोजन पाता और बढ़िया चकाचक उसको रोज खाने को मिलता, मीठा मिलता। एक दिन क्या हुआ, बोले एक दिन हुआ यूं कि सुबह सुबह चूल्हा नहीं जल रहा। आज क्या हो गया, भागा भागा गया गुरुजी के पास। गुरुजी के पास जाके बोला महाराज जी आज रसोई नहीं जल रही, गैस नहीं चल रही, चूल्हा नहीं चल रहा। महाराज जी बोले बेटा आज एकादशी है। एकादशी व्रत रहते हो? कौन कौन रहता है? वाह। तो बोले आज बेटा एकादशी है। बोले मतलब आज फलहार है, आज अन्न नहीं खाएंगे, आज फलहार करेंगे। बोला हद हो गई, हमने आपको पहले ही दिन बोला था हमको कुछ नहीं चाहिए, खाना चाहिए, हम फलहार वाले नहीं, हम फुलाहार वाले हैं, हमारा फलहार से काम नहीं चलता। गुरुजी बोले देख बेटा आश्रम का नियम है, आश्रम की चार दीवारी में अन्न नहीं आएगा उस दिन, ना हम अन्न खाते ना खिलाते, पर तू अगर इतना ही तेरा मन है, एक काम कर, 2 आलू ले जा, इतना सा आटा ले जा और जंगल में जा कर के खुद बना ले और खुद खा ले, यहाँ नहीं खिलाया जाएगा। बोले चलो कोई नहीं, वहाँ खा लेंगे। गुरुजी को अब थोड़ी सी दया आई तो गुरु ने जाते जाते एक बात बस बोल दी और उस एक बात ने इसका पूरा मामला बदल दिया। गुरुजी ने कहा बेटा, गुरुजी ने कहा बेटा जा खा तो ले, भोजन तो तू खा ले, बस शर्त है कि भगवान का भोग लगा के खाना, पहले उनको भोग लगाना और उसके बाद तू खाना। बोला ठीक है गुरुजी। आया जल्दी जल्दी, आकर के इसने भोजन बनाया, आलू उबाल के सब्जी बनाई, रोटी बनाई, खाने ही वाला था सोई गुरुजी की बात याद आई तो सामने थाली रखी और हाथ जोड़ के बुला रहा है, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, बार 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 कह कह के ठाकुर जी को पुकार रहा, आँख बंद कर रखी है, आंख बंद करके इसने जैसे बोला, अब आ नहीं रहे इतनी जल्दी थोड़ी राम जी आ जाएंगे, फिर क्या कहता राम जी को, आँच मनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, रूखी सूखी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, सीता राम आइए, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भगवान को कह रहा, कहीं आज आप ये सोच रहे हो ना कि रूखा सूखा भोजन खाने से हमको क्या मिलेगा, वो भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, क्योंकि आश्रम में है एकादशी, बैठे रहोगे भूखे, आज वहां भी कुछ नहीं मिलने वाला आपको, कहीं सोच रहे हो वहां 56 भोग मिल जाएगा, माल मिल जाएगा, वहां कुछ नहीं मिलने वाला, आज जो खाना यही खा लो। अब हाथ जोड़ करके इसने पुकारा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, और जैसे इसने आवाहन किया भगवान का तो प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला, ठाकुर जी प्रगट हो गए, इसके बोलेपन को, इसकी पुकार को देख के श्री प्रभु प्रगट हो गए।
और जैसे इसने आँख खोली तो एकदम हक्का बक्का रह गया। क्यों? क्योंकि इसने सोचा था राम जी आएंगे, पर यहां राम बाम दिसी जान की। राम जी पूरे अपनी संघनी को, मैया जानकी को अपने संग लेकर के आए। अब इस बेचारे ने भोजन बनाया था दो के हिसाब से, और दो ये पहले से ही आ गए, तो इसने ना प्रणाम किया ना कुछ, पहला ही प्रश्न ये किया, ये माता जी भी भोजन करेंगी? राम जी बोले, बेटा तूने बुलाया भोजन भी नहीं करवाएगा, तूने हमको बुलाया तो तू भोजन की व्यवस्था दो की होनी चाहिए। बोले हाँ हाँ ले लो, लो आप खा लो। सो जो अपनी थाली की रोटी सो इनकी ओर सरका दी, बोले आप ले लो। राम जी ने खाई, माता जानकी ने पाई, और फिर बोलते चलो अब अगली एकादशी को मिलेंगे। अगली एकादशी गुरुजी डोरे आया, आके बोला गुरुजी आपने हमको सामग्री दी दो के हिसाब से, पर दो तो वो खुद ही आ जाते हैं, एकादशी थोड़ा हमारा राशन बढ़वा दो। गुरुजी बोले ये बड़ा चतुर चालाक भगत है, इसको भूख ज़्यादा लगती है इसलिए डोंग कर रहा है, नाटक कर रहा है, ऐसे कौन आ जाते खाने के लिए। पर कोई बात नहीं भैया, इसकी तो शर्त थी भोजन चाहिए और हमको एक रुपया नहीं चाहिए, चलो इसका थोड़ा राशन बढ़ा दो। रखा और फिर हाथ जोड़ के, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे इसने पुकारा तो प्रकट हुए राम जी, राम बाम दिसी जान की, लखन दाहिनी ओर। अब तो फिर देखे ऊपर, बोले भाई साहब कौन है? राम जी बोले भाई साहब ही हैं हमारे, छोटे भाई साहब हैं, ले इनको भोजन बिल्कुल कराना पड़ेगा। अच्छा लो ये भी तुम खा लो, दे दिया। तीनों ने भोजन कर लिया। अगली एकादशी फिर आए, और जैसे अगली एकादशी आई गुरुजी से और राशन लेकर के आया। राशन लेकर के अब ये बनाने ही वाला था, सोचा पहले बुला लेता हूँ, इनका कोई भरोसा नहीं है, ये हर बार एक ना एक ऐड होकर के आते रहते हैं, तो अब की बार पहले बुलाते हैं बाद में बनाएंगे। तो आज जैसे जंगल में जब भक्त ने कीनी करुण पुकार, तो क्षण भर में प्रकट हुआ दिव्य राम दरबार। आज राम दरबार प्रकट हो गया, राम जी, जानकी जी, लखन जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, सुग्रीव जी, सबरे आ गए। अब इसने देखा ये तो पूरी फौज आई है, हाथ जोड़ करके बोला राम जी को कि देखो जी ये रहा चूल्हा, ये रहा आटा, ये रहे आलू, तुम जितने आए हो फैमिली मेंबर सब बनाओ और खुद खाओ, हम किसी के भरोसे नहीं रहने वाले। अजी हम मेहनत करते हैं और तुम उस मेहनत पे पानी फेर दे, तो खुद करो। तो राम जी ने कहा चलो जी लगो सबरे की सबरे, भक्त ने तो कह दिया है कि तुम अपने आप बनाओ, तो सब लग पड़े। जानकी जी भोजन बना रही, रिद्धि सिद्धि आ गई, गणपति जी आ गए, सब ने भरत जी भंडारा लाने लगे, लकड़ियाँ लाने लगे, खूब जंगल में आज अद्भुत भंडारा हुआ। आया गुरुजी को बताई, फिर गुरुजी को कहा गुरुजी प्रथम दिन भोजन के हित जब आसन मैंने जमाई, उदर ना मैं भर सका सिया जब सन्मुख आई, फिर विनीत आए भाई पर भाई, निराहार ही रहो मोहे पड़त दिखाई, तुम नहीं तजत सुवानी आपनी हम केते समझाए, अरे नर नारी की कौन कहे ये बानर हु संग लाए। हनुमान जी को देख लिया था, ले महाराज ये तो बंदर भी अपने संग लाते, बानर भी संग लाते, इतना हम कहाँ से सामग्री लाएंगे, हमने कह दिया खुद बनाओ। गुरुजी बोले कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं करता, इतनी सामग्री ले जाता कहीं जाके बेच तो नहीं देता? गुरुजी बोले हमको दिखाएगा? ले हाँ चलो देख लो। तो गुरुदेव को लेके आ गया,
गुरुजी ने आकर के कहा दिखा, तो इसने आवाज लगाई, राम दरबार प्रकट हो गया, बोले देखो आ गए सारे। गुरुजी आंख साफ कर रहे हैं, बोले कहाँ है कहाँ है, ये तो खड़े सामने देखो, हमको तो दिखाई नहीं दे रहे। बोल रहा हद हो गई, आपको दिखते नहीं और हमको छोड़ते नहीं है, हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे, हर एक आदशी को बढ़ते ही जा रहे हैं बढ़ते ही जा रहे। गुरुजी बोले तो कोई ढोंग करता है नाटक करता है। अब आकर के भगवान के सामने रोया, बोला प्रभु ये तो गलत बात है, आज आपने अगर दर्शन नहीं दिए हमारे गुरुजी तो सोच लेंगे ये तो झूठा है, हम तो गलत साबित हो जाएंगे, तो आज गुरुजी को दर्शन देना पड़ेगा नहीं तो हमारी नाक कट जाएगी। तब भगवान ने अपने उस भोले भक्त के भाव को देख करके गुरु को दिव्य दृष्टि दी और गुरु ने जैसे आंख खोली तो उसको सामने राम दरबार सजा हुआ दिखा। कई बार शिष्य की कृपा से गुरु को भगवत प्राप्ति हो जाती है, ये बात झूठी नहीं है। कई बार शिष्य की श्रेणी इतनी ऊंची हो जाती है कि उसकी कृपा से गुरु को भगवत दर्शन हो जाता है। तो आज उस भक्त ने भगवान का खुद दर्शन किया, गुरुदेव को कराया। अब बताओ इसको बेचारे को कहाँ कौन सा ज्ञान था, कहाँ कौन सी लंबी चौड़ी इसको स्तुतियाँ वंदना याद थी। पर जैसे केवट कहता ना, कहे तुम्हार मरम में जाना, बड़े बड़े वेद पढ़ने वाले भगवान को नहीं कह सकते मैं तुम्हारा मरम जानता हूँ, पर केवट नाव चलाने वाला राम जी को कहता मैं तुम्हारे मरम को जानता हूँ। तो भगवान की भक्ति के लिए हृदय के प्रेम की आवश्यकता होती है, ना कि किसी बाहरी ज्ञान की। और कई बार जब खोखला ज्ञान आता है तो वो संग में बहुत सारा मान लेके आता, अभिमान लेकर के आता है। इसलिए भगवान ने जो ये कृष्ण अवतार धारण किया है इसका एक ही उद्देश्य है कि मेरी लीलाओं को देख करके सबके हृदय में मेरी लीलाओं के प्रति प्रेम जागे, मेरे प्रति प्रेम जागे, वात्सल्य भाव जागे, सख्य भाव जागे। इसलिए भगवान ने सब लीला की है।